एक युवा अपनी ज़िंदगी के लाखों अरमान देखते हुए, लाखों सपने देखते हुए, परिवार और समाज की जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर लिए जब एक बेरोज़गार परीक्षा की तैयारी में जुटता है तो उसके जहन में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि वो ये नौकरी अपने बलबूते और दृढ़ संकल्प से हासिल कर लेगा। लेकिन प्रदेश में चंद रुपयों के लालच में ऐसे लाखों बेरोज़गारों के सपनों को सरकारी महकमे के ही कुछ कर्मचारी और नकल गिरोह से जुड़े लोग चकनाचूर कर रहे हैं। और बड़ी विडंबना यह है कि सरकार सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गई है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। महीनों की तैयारी के बाद परीक्षा और परीक्षा का अचानक रद्द हो जाना, ये उनके अरमानों पर कुठाराघात है। वो बेरोजगारियों को नए घाव के अलावा कुछ दे नहीं रही, ये एक तरह से बेरोजगार नौजवानों के सीने पर खंजर है। ये अभ्यर्थियों के साथ मजाक है या फिर उन अभ्यर्थियों के साथ धोखा जो दिन रात मेहनत कर नौकरी पाने का जतन कर रहे हैं। जी हाँ, राजस्थान के बेरोजगारों को एक बार फिर झटका लगा है। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कड़े इंतजामों के बाद भी 12 नवंबर को हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा का दूसरा पेपर लीक हो गया। बोर्ड ने पहले दिन दूसरी पारी में हुई परीक्षा का पेपर रद्द कर दिया है। राजसमंद पुलिस के अनुसार रेल मगरा से पर्चा लीक हुआ जिसका सौदा 6 लाख रुपए में किया गया। परीक्षा से एक घंटे पहले व्हाट्सएप पर पेपर के प्रश्नों के विकल्प वायरल कर दिए गए। सोशल मीडिया पर वायरल 100 प्रश्नों में से 62 प्रश्नों के विकल्पों का पेपर से मिलान हुआ है। मामले में राजसमंद पुलिस ने विद्युत वितरण निगम के तकनीकी सहायक को गिरफ्तार किया है। बोर्ड की ओर से अब दिसंबर या जनवरी महीने में ये परीक्षा ली जाएगी। अभ्यर्थी 2 वर्ष से परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। बोर्ड की ओर से 2300 पदों पर 2020 में भर्ती की विज्ञप्ति निकाली गई थी। पहले दिन की दूसरी पारी की परीक्षा के लिए 4,09,129 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा में 2,11,174 अभ्यर्थी बैठे थे। परीक्षा 12 और 13 नवंबर को हुई। कुल 16,36,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। बोर्ड की ये अभी तक की बड़ी भर्ती परीक्षा थी। वन रक्षक भर्ती के पेपर लीक मामले में पुलिस ने दिल्ली सहित राज्य के 5 जिलों में दबिश देकर 11 आरोपियों को हिरासत में लिया है। वन पा एक बार फिर रद्द हुई। ये सिद्ध हो गया कि पूरे सिस्टम के साथ प्रश्न पत्र चोरों की एक गैंग पूरे सिस्टम से मिली हुई है। ये एक नया माफिया पनप गया है। ये अशोक गहलोत सरकार की बड़ी विफलता है। बेरोजगारों का कई महीनों की तैयारी के बाद परीक्षा और परीक्षा का अचानक रद्द हो जाना, ये उनके अरमानों पर कुठाराघात है। जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने के लुभावनी बात कहकर नौजवानों के, बेरोजगारों के वोट लिए, वो बेरोजगारियों को नए घाव के अलावा कुछ दे नहीं रही, ये एक तरह से बेरोजगार नौजवानों के सीने पर खंजर है जो कांग्रेस सरकार को महंगा पड़ेगा। परीक्षाओं की धीमी चाल और अब आए दिन परीक्षाओं के सामने आ रहे फर्जीवाड़े ने लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। वन रक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सवाल ये कि आखिर प्रशासन फरवरी में होने वाली परीक्षा में कैसे फर्जीवाड़ा रोकेगा। पत्रिका टीवी, जयपुर।